हेलो फ्रेंड्स, आप सभी व्यूअर का मेरे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए अपराजिता का प्लांट है, देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे मेरे सीड तैयार हो चुके हैं। आज मैं सोच रही हूँ कि इस सीड को कलेक्ट किया जाए, जिसे मैं फिर से नए प्लांट ग्रो कर सकूंगी। इसे आप फरवरी में लगाइए और रेनी सीजन के अंत तक बहुत सारे मात्रा में फ्लावर भी पा सकते हैं। इसे शंख पुष्पी, ब्लू वाइन, अपराजिता, बटरफ्लाई और भी कई नामों से जाना जाता है। इस प्लांट के केयर के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरे लिंक पर जाकर, मेरे चैनल पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, देखिए जरूर। आज मैं सोच रही हूँ कि इस प्लांट से सीड कलेक्ट कर लूँ। बहुत सारे मात्रा में मेरे सीड सूख चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, देखिए बहुत सारे सीड मेरे तैयार हो चुके हैं। आइए मैं इसे तोड़ लूं। पूरी तरह से पूरे सूखे सीड को मैं तोड़ लूंगी। ये थोड़े इससे अभी सूखे नहीं है। और भी मैं देखिए, पहले मैं सीड निकाल चुकी हूँ, तोड़ चुकी थी। देखिए मेरे सीड देखिए टूट चुके हैं। देखिए आइए इसे सीड निकालते हैं। चलिए इसके सिर देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल मटर के दाने से भी छोटे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके सीड देखिए बिल्कुल मटर के दाने से भी छोटे हैं। इसी तरह से आप सीड को निकालिए और इसे रेनी सीजन में आप रेनी सीजन के अंत तक आप इसमें बहुत सारे फ्लावर देखने को मिलेंगे। आप इस सीड को फरवरी में ग्रो करिए, गमले में चाहे जमीन जहाँ भी आपके लिए सुटेबल हो वहाँ आप इसे ग्रो कर सकते हैं। इसके केयर के बारे में वीडियो आप जरूर देखें मेरे चैनल पर जाकर, मेरे लिंक पर आप देख सकते हैं। थैंक यू।